हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं 2020 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा फ्लावर ऑफ एविल को एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो में मैं इस ड्रामा के एपिसोड 1 को ही एक्सप्लेन करूंगी। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पानी के अंदर रस्सियों से बंधा हुआ था और उसके पूरे शरीर में घाव के निशान थे। तभी वहां एक औरत आती है और वो उस आदमी को पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उस औरत को देख के वो आदमी मन ही मन में सोचता है कि क्या उसे ये बता देना चाहिए कि वो कैसे किस्म का इंसान है। और वो औरत भी मन ही मन में सोचती है कि वो अब से उस आदमी से और भी प्यार करेगी और उसका ख्याल रखेगी। यहाँ सीन चेंज होती है और हम वही आदमी और औरत को देखते हैं और वो दोनों शादीशुदा थे और उस आदमी का नाम था ही संग, जो कि अपने घर में ही एक मेटल का शॉप चलाता था। और उसकी बीवी थी जीउन, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थी, और दोनों की एक बेटी भी थी योनहा। तो उनकी पूरी फैमिली हीसांग के पेरेंट्स के घर जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हीसांग की पेरेंट्स किसी वजह से जीउन को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जीउन उसके सास ससुर का मन जीतने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास ससुर किसी भी तरीके से उससे इम्प्रेस नहीं होते। फिर हीसांग की फैमिली हीसांग के पेरेंट्स के घर जाके वहाँ हीसांग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और जीउन हीसांग को एक वॉच प्रेजेंट में देती है और उस वॉच में हीसांग के नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ था। तो वो लोग डिनर कर रहे थे तभी जीउन को पुलिस स्टेशन से फोन आती है, जिसके वजह से जीउन को तुरंत ही वहाँ से पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। तो जीउन के वहाँ से जाने के बाद हीसांग की माँ उसको बोलती है कि जीउन बहुत ही बुद्धू है, और हीसांग के पापा बोलते हैं कि उन लोगों को ये नहीं पता था कि हीसांग की भी एक हैप्पी फैमिली हो सकती है। जिसको सुन के हीसांग बोलता है कि वो और जीउन एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और हीसांग की ये बात सुन के उसकी माँ हंस के बोलती है कि हीसांग का एक डर्टी पास्ट था और जीउन एक पुलिस ऑफिसर है, तो वो दोनों कैसे एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सुन के हीसांग बोलता है कि जीउन जो देखती है वही विश्वास करती है, इसीलिए वो जीउन को वही सब कुछ दिखाता है जो कि जीउन देखना चाहती है। यहाँ से सीन चेंज होती है और जीउन पुलिस स्टेशन पहुंचती है। तो वहाँ उसे बताया जाता है कि इंसो नाम के एक बच्चे की सीढ़ियों से गिरने की वजह से बहुत ही बुरी हालत है, तो इसीलिए इस केस के लिए जीउन को इंसो को देखने हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहां इंसो के ऑपरेशन के बाद उसके होश आने के बाद इंसो बोलता है कि उसके पापा ने ही उसको सीढ़ियों से धक्का दिया था क्योंकि वो बहुत ही मोटा था, जिसकी वजह से उसके पापा उसका वेट लूज करवाना चाहते थे, लेकिन उस दिन वो चलते चलते बहुत ही थक जाता है, जिससे उसके पापा उसके ऊपर गुस्सा होकर उसको सीढ़ियों से नीचे धकेल देते हैं। तो इंसो की बातें सुन के पुलिस इंसो के पापा सांगिन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ जेसेब नाम का एक पुलिस ऑफिसर सांगिन को पूछताछ करता है और जेसेब को सांगिन बताता है कि वो इंसो से बहुत ही प्यार करता है और वो ये चाहता है कि इंसो वेट लूज करे, लेकिन उसने कभी भी इसके लिए इंसो को प्रेशराइज नहीं किया था और उस दिन वो इंसो के साथ ही था, लेकिन अचानक उसको एक कॉल आता है जिसके बाद वो इंसो को वहाँ छोड़ के उसके फ्रेंड के साथ मिलने चला जाता है। ये बोल के सांगिन बोलता है कि उसे नहीं पता कि इंसो कैसे सीढ़ियों से नीचे गिरा। तो सांगिन की बातें सुन के जेसेब को लगता है कि सांगिन कुछ छुपा रहा है, जिसके वजह से वो पूरा ही कन्विंस्ड हो जाता है कि सांगिन ने ही इंसो को सीढ़ियों से गिराया था, क्योंकि जेसेब के हिसाब से इंसो उसके पापा के बारे में गलत नहीं बोल सकता। तो वो इसके बारे में जीउन को बोल के उसे भी ये कन्विंस करवाने की कोशिश करता है कि सांगिन ने ही इंसो को सीढ़ियों से गिराया था, लेकिन जीउन जेसेब की बातों से कन्विंस्ड नहीं होती और उसे लगता है कि सांगिन ने इंसो को धक्का नहीं दिया था। इसके बाद हम मोजिन को देखते हैं, जो कि एक रिपोर्टर था और वो इंसो की माँ से इस केस के बारे में पूछताछ करने आता है, लेकिन जीउन मोजिन को वहाँ से भगा देती है। फिर जीउन मोजिन और जीउन के साथ ही होजुन इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं और इस केस के बारे में सुन के मोजिन बिल्कुल ही कन्विंस था कि सांगिन ने ही इंसो को सीढ़ियों से गिराया है और सांगिन शायद इंसो के लाइफ इंश्योरेंस के पैसे को पाना चाहता है और इसीलिए उसने इंसो को सीढ़ियों से गिराया है। जिसको सुन के जीउन बोलती है कि सिर्फ यही एक कारण नहीं हो सकता इंसो को सीढ़ियों से गिराने का। जिसको सुन के मोजिन बोलता है कि उसने एक साइको किलर के बारे में पढ़ा है, जिसने कि अपने बीवी के साथ साथ और 7 लोगों को मार के गाड़ दिया था क्योंकि इस काम में उसे मजा आ रहा था, और वो ये भी बोलता है कि वो साइको किलर भी एक मेटल शॉप चलाता था। तो ये सुन के जीउन
उन मोजिन को हीसंग का बिजनेस कार्ड देके उसको हीसंग के साथ मिलने बोलती है। इसके बाद हम मोजिन को देखते हैं, जो कि अपने काम के सिलसिले में एक आर्टिकल को पढ़ रहा था, जहां पर यूनजू नाम के एक जगह पर हुई सीरियल मर्डर्स के बारे में लिखा हुआ था और उस केस के सीरियल किलर का नाम था दुमिन सेक, जो की बाद में सुसाइड कर लेता है। और जो भी मिनसेक के बारे में जानते थे वो लोग यही मानते हैं कि मिनसेक का बेटा योनसो भी एक मर्डरर हो सकता है। इसके बाद मोजिन अपने बैग से एक पेन निकालने जाता है कि तभी वहाँ उसे एक नेकलेस मिलती है, जिसको देख के उसे हेइसो नाम के एक लड़की के बारे में याद आता है। इसके बाद कोई मोजिन को कॉल करके बताता है कि योनसो जिंदा है। आगे इनसो के अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हुए जीउन और होजुन देखते हैं कि जिस टाइम पर इनसो का एक्सीडेंट हुआ था उसी टाइम पर उसी फ्लोर के एलिवेटर में एक बच्चा उसके डॉगी के साथ आता है। तो ये देख के जीउन को लगता है कि शायद वो बच्चा इनसो के साथ हुई हादसे के बारे में जानता है। और दूसरी तरफ जेसेव डॉक्टर बे से मिलता है, जो कि उस दिन सांगिन के साथ थी जिस दिन इनसो का एक्सीडेंट हुआ था। और डॉक्टर बे से मिलके जेसेव चालाकी करके डॉक्टर बे के फोन को चुरा लेता है और उस फोन के लॉक को खोल के वो देखता है कि वहाँ पर सांगिन और डॉक्टर बे के बहुत सारे पिक्चर्स थे, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि सांगिन और डॉक्टर बे रिलेशनशिप में थे। तो ये जान के जेसेव उन दोनों के बारे में जीउन को बताता है। इसके बाद जीउन इनसो के माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उसको उस एलिवेटर वाले बच्चे को दिखा के उस बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। और इसके बाद उस एलिवेटर वाले बच्चे को पूछताछ करने से जीउन को पता चलता है कि उस दिन उस एलिवेटर वाले बच्चे की डॉगी को देख के डर के मारे इनसो सीढ़ियों से गिर जाता है। तो ये जान के जीउन जेसेव को इन सब के बारे में बताती है और फिर सांगिन को जेल से छोड़ देने बोलती है। इसके बाद जीउन होजुन के साथ एक फार्मेसी में जाती है, जहाँ वो एक मल्टीविटामिन के टेबलेट को देखती है और ये टेबलेट्स वही थे जो कि इनसो की माँ भी लेती थी, लेकिन उस ओरिजिनल टेबलेट का कलर येलो है और इनसो की माँ जिस टेबलेट को लेती थी उसका कलर व्हाइट था। और ये देख के जीउन समझ जाती है कि शायद सांगिन इनसो के माँ को जानबूझ के गलत दवाई दे रहा था ताकि इनसो की माँ को सांगिन के अफेयर के बारे में ना पता चले। ये समझ जाने के बाद जीउन इनसो से मिलती है और उससे पूछती है कि असल में क्यों उसने उस दिन उसके पापा के बारे में झूठ बोला था कि उसके पापा ने उसको सीढ़ियों से गिराया था। तो इसके जवाब में इनसो बोलता है कि उसे उसके पापा के अफेयर के बारे में पता था और ये भी पता था कि सांगिन इनसो के माँ को गलत दवाई दे रहा था, तो इसीलिए सांगिन को उसकी माँ से दूर करने के लिए इनसो ने झूठ बोला था। तो ये सब कुछ जान के जीउन सांगिन को उसके बीबी को गलत दवाई देने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। आगे जीउन के कहने पर मोजिन हीसंग के वर्कशॉप में जाता है और वहाँ मोजिन हीसंग को देख के शॉक्ड हो जाता है और फिर हीसंग को योनसो कह के एड्रेस करके बोलता है कि वो जीउन के पति हीसंग से मिलने आया है। तो इसका मतलब हीसंग ही योनसो है, जिसके बारे में मोजिन आर्टिकल में पढ़ रहा था। तो योनसो का नाम क्यों और कैसे हीसंग हुआ, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद मोजिन हीसंग को योनसो कह के एड्रेस करके पूछता है कि क्या उसने 18 साल पहले सरपंच को मारा था, जिसके जवाब में हीसंग बोलता है कि सभी को यही लगता है कि उसने सरपंच को मारा था। तो उसकी इस बात से इनकार करने और ना करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी लोग यही समझते हैं कि उसने ही सरपंच को मारा था। इसके बाद हीसंग मोजिन से पूछता है कि क्या उसकी शादी हो गई है या फिर क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिसके जवाब में मोजिन बोलता है कि वो बिल्कुल ही अकेला है। और हीसंग ये सब इसीलिए पूछता है ताकि हीसंग जान पाए कि अगर मोजिन गायब हो जाए तो क्या उसकी फैमिली मेंबर्स उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे या नहीं। तो वो जब जान जाता है कि मोजिन का कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है, तब वो अचानक से मोजिन का गला दबा के उसको बेहोश करके मोजिन को उसी वर्कशॉप के नीचे बेसमेंट में बांध के रखता है। और यहाँ पर ही एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।